नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी अमेजन एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो? जी दोस्तों, अगर आप भी अमेजन एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हो, अगर आपके अमेजन ऐप से आपके मोबाइल में जो है ओटीपी नहीं आ रहा है, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन चेक करना, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद आपको इसे जो है ऑफ कर लेना है, जिससे कि दोस्तों आपके मोबाइल में इंटरनेट सही से वर्क करेगा और शायद से ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके अमेजन से आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको जो है प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अमेजन एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओपन की जगह अगर आपके अमेजन पर कोई भी अपडेट आया तो यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। इसके बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अमेजन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस एप्लीकेशन का क्लियर डेटा कर लेना चाहिए। दोस्तों, क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैच पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अगर आप क्लियर डेटा करोगे तो आपकी जो है लॉगिन डिटेल भी इरेज हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर लेना है। इसके बाद आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, और इतना करने के बाद यहाँ पर आपको जो है परमिशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप ऐप परमिशन ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट और SMS की परमिशन को अलाउ कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको SMS ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद इसकी परमिशन को भी यहाँ पर आपको अलाउ करने के बाद टेलीफोन पर क्लिक करने के बाद इसकी परमिशन को भी यहाँ पर आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो है बाहर आ जाना है। अब जो है शायद से आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, और गाइज आपके मोबाइल पर अमेजन की ओर से ओटीपी आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में फिर से जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से जो है ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको SMS यानी मैसेजिंग एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में मैसेजिंग एप्लीकेशन की जो है परमिशन को भी अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐप परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको SMS ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद SMS की परमिशन को आपको जो है अलाउ रखना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो है बैक आ जाना है। अब जो है आपके मोबाइल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जो है अमेजन की ओर से आपके मोबाइल में OTP ज़रूर से आ जाएगा और आपकी जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से आप इन तरीकों को यूज़ करके आप अपने मोबाइल में अमेजन OTP प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।